नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं स्टूडियो में नवीन सक्सेना, और आज मेरे साथ ऑनलाइन फोन पर मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार नवीन, और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद कल के ओलंपिक क्विज के विजेता की घोषणा। इटली ने यूरो कप फुटबॉल का खिताब जीता। महिला क्रिकेट में भारत ने दूसरे 2020 मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हराया, और नोवाक जोकोविच ने छठी बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। When did India first participate at the Olympic Games? सही जवाब है वर्ष 1900। 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। पेरिस में हुए इन ओलंपिक खेलों में नॉर्मन पिचर्ड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और उसी के साथ ये भारत की ओलंपिक में पहली उपस्थिति बन गई थी। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है वो बनते हैं आज के विजेता, और वो हैं बिहार के पटना के रहने वाले अंशु पांडे। अंशु पांडे को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से बधाई। अपनी जीत पर आकाशवाणी से बातचीत में अंशु ने कहा, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंशु पांडे है और मैं ग्राम श्रीनगर जिला पटना बिहार से हूं। मैं स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम रोजाना सुनता हूं। मैं ऑल इंडिया रेडियो को ओलंपिक क्विज प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सुनना बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे देश दुनिया की खबर मिलती है और मुझे हर फील्ड में अपडेट रखती है। इस कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद मुझे यह लग रहा है कि मैं भी अब टोक्यो ओलंपिक का एक हिस्सा बन चुका हूँ। भारत से टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे सभी खिलाड़ियों को मेरे और पूरे बिहार वासियों की ओर से ऑल दी बेस्ट, और मुझे पूरा यकीन है कि टीम इंडिया सभी के दिलों को जीत लेगी। जय हिंद, जय भारत। मलय, इस क्विज को जीतने वाले अंशु पांडे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो अंशु पांडे जी को बहुत बहुत बधाई, जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया उसके लिए, और ओलंपिक में और खेलों में रुचि लेने के लिए, और फिर जो उन्होंने संदेश दिया है भारत के खेल प्रेमियों के लिए ही नहीं, भारत के जो खिलाड़ी जा रहे हैं टोक्यो उनके लिए भी एक मिसाल है, क्योंकि एक छोटी सी जगह पे रहने वाले एक व्यक्ति ने पूरे भारत की जो मनसा है, जो आकांक्षा है, जो उसकी खिलाड़ियों पर जो उसका विश्वास है और खेलों में रुचि है और इस महाकुंभ में हिस्सा लेने वालों के प्रति जो श्रद्धा है उसको उन्होंने समाहित किया है अपने संदेश में। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया, बहुत आसान सवाल नहीं है, क्योंकि भारत तब आजाद नहीं था, और आपको पता है कि आधुनिक ओलंपिक पहली बार एथेंस में सन 1896 में उनका आयोजन हुआ। सिर्फ 4 वर्षों बाद जब दूसरी बार आयोजन हुआ तो नॉर्मन प्रिचर्ड गए और पेरिस गए और उन्होंने 2 पदक जीते, और उसके बाद ये भी अपने श्रोताओं को बता दें चलते चलते कि ओलंपिक गेम्स में पहली भारतीय टीम 1920 में गई, जिसमें 4 एथलीट थे, 2 पहलवान थे, 2 रेसलर्स थे। तो बहुत बहुत बधाई आपको पांडे साहब जी। और हो सकता है कि जो जानकारी समय मलय ने दी है वो हमारा सवाल भी बन जाए, तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको उसका जवाब भी इसी में शामिल है। और अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, ध्यानचंद ने किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी। एट विच ओलंपिक गेम डिड ध्यानचंद कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम। सवाल एक बार फिर, एट विच ओलंपिक गेम डिड ध्यानचंद कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम। आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airsportscan@gmail.com, airsportscan@gmail.com।
सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा और विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में भी बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर जरूर भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर ना कीजिए और जल्दी ही हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। और मलय, टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। आकाशवाणी से जारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ओलंपिक में स्टीपल चेज में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सेना के जवान अविनाश साबले की। महाराष्ट्र के बीड जिले के सेना के जवान अविनाश साबले ने अपने करियर में 5 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। प्रशिक्षक अमरीश कुमार के नेतृत्व में स्टीपल चेज में जाने से पहले उन्होंने अपने सहयोगियों के आग्रह पर पहली बार 2015 में इंटर आर्मी क्रॉस कंट्री में भाग लिया। साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने 2018 में ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। फिर 2019 में दोहा में हुई विश्व एथलेटिक में 8 मिनट 26 सेकंड का समय निकालकर न सिर्फ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया बल्कि फाइनल में पहुंचकर इतिहास भी बनाया। वो विश्व चैंपियनशिप स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। स्टीपल चेज स्पर्धा में पदक पाने को अपना लक्ष्य बनाते हुए और अपनी तैयारियों पर साबले का कहना है, मेरा भी ऐसा सपना था कि मैं भी मतलब ऐसे खेलूं, अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अभी गेम स्टार्ट करूं। मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूं मुझे देश के लिए मेडल लेना है। मार्च में उन्होंने पटियाला में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 8 मिनट 20.20 सेकंड का समय निकालकर अपने ही रिकॉर्ड को सुधारा। साबले टोक्यो में कीनिया और इथियोपिया के मजबूत एथलीटों के साथ फाइनल तक का सफर आसानी से तय करेंगे। मलय, हालांकि सफर थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन उम्मीदें हमेशा दामन थामे हुए हैं अविनाश साबले का, और अब सबकी निगाहें पदक पर होंगी जो साबले हमारे लिए ला सकते हैं। मलय, बिल्कुल, देखिए साबले में जो संकल्प है उसका एक परिचय देना चाहता हूँ। सिर्फ जब 6 वर्ष के थे तो वो 6 किलोमीटर लंबी दूरी भागकर अपने घर से स्कूल जाते थे, क्योंकि जिस गांव में वो रहते थे वहां कोई ट्रांसपोर्ट, कोई यातायात की सुविधा नहीं थी। सेना में जब उन्होंने हिस्सा लिया, सेना ज्वाइन की, सेना की नौकरी, तो 5 महा रेजिमेंट में वो शामिल हुए। सिर्फ 12वीं पास करने के बाद उसमें शामिल हुए और उसके बाद 2013-14 में सियाचिन ग्लेशियर में उनकी पोस्टिंग हुई जहां वो रहे, फिर 2015 में सिक्किम में। ऐसे दृढ़ संकल्प वाले अविनाश साबले जो लगातार अपना ही रिकॉर्ड बेहतर करते आ रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया, उनसे उम्मीद तो है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि वो उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जब कोई खिलाड़ी हिस्सा लेने जाता है तो अपनी जी जान लगाकर वो खेलता है और ऐसे में और दौड़ता है और एथलीट जो है उसमें भाग लेते हैं। जब उन्होंने 8 मिनट 20.20 सेकंड का समय लिया तो इस 26 वर्षीय एथलीट ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। करंटली अभी अगर हम देखें वर्तमान समय में विश्व में इनका रैंकिंग में जो वरीयता क्रम है उसमें इनका 16वां स्थान है, लेकिन अभी टोक्यो ओलंपिक में उम्मीदें इनसे काफी हैं और मुझे लगता है कि ये अपना रिकॉर्ड जो लगातार बेहतर करते आ रहे हैं ये और बेहतर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम ये मानकर बैठ जाएं कि इनसे पदक की उम्मीद नहीं की जा सकती। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ कल वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और विधि मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों ने कठोर परिश्रम किया है। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की तैयारी और भागीदारी की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद थे। इस बैठक में टोक्यो ओलंपिक के लिए चुने गए खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।
श्री ठाकुर ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के प्रगति के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लेने से पहले उन्हें प्रेरित करने के लिए कल टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले एथलीटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत की तैयारियों पर भी चर्चा की। टोक्यो ओलंपिक से पहले चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए देश भर से शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं। बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पीवी सिंधु के पिताजी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और अपने संदेश में उन्होंने कहा, इस बार तैयारी तो बहुत बढ़िया हुआ है। हमें उम्मीद है कि सिंधु अच्छा खेलेगी और देश का नाम भी रोशन करेगी। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और इस बार तैयारी से मैं बहुत खुश हूँ और टोक्यो में जाके वो बढ़िया प्रदर्शन करेगी, मुझे तो बहुत उम्मीद है। सो मैं इस उम्मीद से ही मैं अपना बेटी को एनकरेज कर रहा हूँ और आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द ओलंपिक। वहीं भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के चाचा जी ने भी उन्हें ओलंपिक में भाग लेने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। मैं नीरज चोपड़ा का चाचा भीम चोपड़ा बोल रहा हूं। मैं आकाशवाणी समाचार के माध्यम से नीरज को अपने पूरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं और आशा करता हूं कि वह ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करे और देश के लिए मेडल जीत कर लाए और देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। मतलब पूरे देश से शुभकामनाएं आ रही हैं सभी खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो पीवी सिंधु हो। इसके अलावा बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो पहली बार पदार्पण कर रहे हैं ओलंपिक खेलों में। नीरज नले जी, देखिए सबसे पहले तो ये इस देश का सौभाग्य है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो खेलों और खिलाड़ियों के प्रति जो उनकी भावना है, जिस प्रकार से वो पूरे देश को उन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए अपील उन्होंने की है और जो किसी मन की बात में उन्होंने एक खास बात की, मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा खासकर अपने श्रोताओं के लिए कि हमें खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है, हमें उनको हर तरह से मदद करनी है लेकिन अपेक्षाओं का अंबार खड़ा नहीं करना, उनके कंधों पर हम अपनी उम्मीदों का बोझ न डालें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, खेलने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की है और खेल में जो उनकी रुचि है, भारत के खेलों के विकास में लोगों को खेलों के लिए, योग के लिए प्रेरित करने में, खेलो इंडिया अभियान चलाने में, वो सबको पता है। और जहां तक खेल मंत्री का सवाल है तो वो भी आप जानते हैं कि खेल प्रेमी हैं, वो खुद ही बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जो लोग भारत को नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग हैं, मंत्री और प्रधानमंत्री खासकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाही के लिए आज देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति जो है और जो खेल मंत्री हैं वो दोनों साथ साथ इसके लिए बात कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य है इस देश का जहां खेलों को बहुत हद तक बहुत पिछड़ेपन में रखा गया, बहुत दिनों तक खेल भावना जो थी उसको समझने में और उसको आगे बढ़ाने में कुछ काम ऐसा सकारात्मक हुआ नहीं। वैसे में जब इस तरह की बात होती है तो एक नई ऊर्जा आती है, नई स्फूर्ति आती है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना जगती है खिलाड़ियों में। जी, और अब बात फुटबॉल की। इटली ने यूरो कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर 53 साल बाद ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। कल हुए मैच पर आनंद की रिपोर्ट। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में खेले गए यूरो कप के फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से शिकस्त दी। इटली की टीम 53 साल बाद यूरो कप ट्रॉफी जीती है। इटली ने पिछली बार यह खिताब 1968 में यूगोस्लाविया को हराकर जीता था। इंग्लैंड की ओर से ल्यूक शॉ ने यूरो फाइनल के इतिहास में सबसे तेज गोल किया। शॉ ने मैच के दूसरे मिनट में गोल किया। इटली के लियोनार्डो बनुची ने 67वें मिनट में गोल कर टीम को बराबरी दिला दी। इसी के साथ वे यूरो कप के फाइनल में गोल करने वाले सबसे उम्रदार राज खिलाड़ी भी बन गए। उनकी उम्र 34 साल 71 दिन रही। निर्धारित समय पूरा होने तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं। पेनल्टी शूटआउट में इटली की ओर से डोमेनिका बेराधी, लियोनार्डो बनुची, फेडरिको ने गोल कर टीम को जीत दिला दी। इटली ने यह अपना 6ठा मेजर टूर्नामेंट जीता है। उसने अब तक 4 बार फीफा वर्ल्ड कप के अलावा 2 बार यूरो कप खिताब भी जीता है। यूरोपीय देशों में उससे ज्यादा सिर्फ जर्मनी ने ही मेजर टूर्नामेंट जीतने में सफलता पाई है। इटली का 10वां मेजर टूर्नामेंट फाइनल रहा। टीम ने अब तक 6 बार विश्व कप और 4 बार यूरो कप का फाइनल खेला है। यूरोपियन देशों में इटली से ज्यादा सिर्फ जर्मनी ने ही 14 मेजर टूर्नामेंट फाइनल खेला है। वहीं इंग्लैंड टीम यूरो कप के फाइनल में पहुंचने वाली 13वीं नई टीम रही। इंग्लैंड 55 साल में पहली बार यूरो कप के फाइनल में पहुंचा है। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स कैन।
मलय, कल का मुकाबला जबरदस्त रहा, फाइनल स्टेज तक पहुंचा जब पेनल्टी शूटआउट में हालांकि इंग्लैंड हार गया और उसका खामियाजा जो था वो इटली के प्रशंसकों को भुगतना पड़ा। मलय देखिए बहुत ही पैशनेट गेम होता है, लोग अपना सर्वस्व लुटाने के लिए और लुट जाने के लिए तैयार रहते हैं जब फुटबॉल के मुकाबले होते हैं यूरोप में। खासकर मैच में इंग्लैंड की शानदार शुरुआत रही, इसमें कोई शक नहीं। टीम के मिडफील्डर ल्यूक शॉ ने दूसरे मिनट में ही गोल दागते हुए टीम को बढ़त दिला दी थी 1-0 की। हाफ टाइम तक कोई दूसरा गोल नहीं हो सका और इंग्लैंड ने मैच पर 1-0 की अपनी बढ़त बनाए रखी थी। दूसरा हाफ शुरू होते ही बहुत ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया इटली ने और इसका नतीजा ये हुआ कि 67वें मिनट में गोल हुआ, वो भी सीनियर प्लेयर लियोनार्डो बनुची ने गोल दागते हुए मैच को 1-1 से बराबर कर दिया। फुल टाइम होने के बाद मैच ड्रॉ रहा तो फैसले के लिए पेनल्टी शूट आउट कराना लाजमी था, हुआ भी। और इसमें शुरुआती 2-2 पेनल्टी में इंग्लैंड ने 2-1 की बढ़त बना ली थी। बर्नार्डेस्की के गोल से इटली ने 3-2 की बढ़त बनाई। इसके बाद इंग्लैंड के तीन प्रमुख फॉरवर्ड खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड, जेडन सेंचो और बुकायो साका ने पेनल्टी मिस किए और बुकायो के गोल चुपते ही वेम्बली स्टेडियम में जो सन्नाटा छाया, वो जो लोग देख रहे हैं मैच उनको पता चला होगा किस प्रकार से इंग्लैंड का पहला यूरो कप खिताब जीतने का सपना टूट गया और ट्रॉफी इटली के साथ रोम चली गई। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी इटली के गोलकीपर की, क्या जबरदस्त प्रतिरक्षा पंक्ति इटली की थी और गोलकीपर ने जो कमाल किया उसी के कारण इटली के की जीत हुई। इंग्लैंड ने जो गोल दागने की कोशिश की गोल नहीं हो पाया और इसलिए कहा जा सकता है कि मुकाबला अच्छा रहा। इंग्लैंड ने पुरजोर कोशिश की, इससे कोई शक नहीं, मगर कई बार होता है कि वो दिन आपका नहीं होता है और पहली बार मतलब जो टीम फाइनल में पहुंचती है उसमें 13 टीमें हैं ऐसी जो अभी तक जो फाइनल में पहुंची, उसमें 13 में 9 बार जो फाइनल में पहुंची 9 टीमें उनको सब पर जीत मिली थी, लेकिन 4 टीमें हैं जिसमें आज इंग्लैंड का नाम भी शामिल हो गया पहली बार यूरो के फाइनल में पहुंचने के बाद भी वो जीत नहीं पाए। मलय, अब बहुत संक्षेप में, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 6ठी बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है और शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच ने 20वां ग्रैंड स्लैम जीता है और उन्होंने रोजर फेडरर राफेल नडाल के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर दी है। क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, कहना बस इतना ही है कि जो स्टार टेनिस खिलाड़ी होता है जिसकी बाजुओं में दम होता है वो पहला सेट हारने के बाद भी किस तरह से वापसी करता है, इसका उदाहरण पेश करना हो अगर किसी के सामने तो फिर जोकोविच के इस मैच का उदाहरण सामने पेश किया जा सकता है। और मलय, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जोकोविच जो है वो सामने वाले खिलाड़ी को मौका देते हैं कि आप कितने सेट जीत सकते हैं, मैं खेल वहां से शुरू करूंगा। बिल्कुल ऐसा, वो जो स्टैमिना है, वो जो लगातार कोर्ट पर बेहतर प्रदर्शन करते रहने की क्षमता है जी, उसमें उनका कोई जवाब नहीं। तो अभी राफेल नडाल की तरह ही 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुके हैं और रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर चुके हैं, किसी दिन यह रिकॉर्ड टूट जाएगा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, जबरदस्त खेल का प्रदर्शन, बेहतरीन। मलय, हमसे बात करने के लिए और तमाम सवालों पर और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नजर अब डालते हैं आज के ओलंपिक क्विज की, एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, ध्यानचंद ने किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, ध्यानचंद ने किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी? एट विच ओलंपिक गेम डिड ध्यानचंद कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम? एट विच ओलंपिक गेम डिड ध्यानचंद कैप्टन द गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं, पता है airsportsscan@gmail.com। आज के इस संस्करण में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन को दें इजाजत, नमस्कार।